हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने कंप्यूटर पर अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप भी उन लोगों में आते हैं जो अपने काम में ध्यान देने की जगह सिर्फ कीबोर्ड पर ही लटके रहते हैं और अपना सबसे ज्यादा वक्त कीबोर्ड पर ही अपना बिता देते हैं, या फिर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो कंप्यूटर की टाइपिंग की स्पीड को लेके बहुत ही ज्यादा मायूस होते हैं और अपना काम करते करते ही कुछ भी गलत कर देते हैं, करते कुछ है, होता कुछ है, फिर उसको बार बार बैक स्पेस और इरेज करने में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं, या फिर उन लोगों में आते हैं जो टाइपिंग स्पीड के मास्टर हैं, जो किसी भी काम करने के लिए कीबोर्ड की स्क्रीन सेलेक्ट कीबोर्ड पर देखते ही नहीं है। तो चलिए फिर मैं उसी ट्रिक को आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड पर टाइपिंग की स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, कैसे खुद को बिना मायूस हुए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और वीडियो को अंत तक देखें और एक एक स्टेप को हमारे को फॉलो करें। लास्ट तक ये वीडियो आपको टाइपिंग का मास्टर बना देगी और आप अपने कीबोर्ड पर बिल्कुल इस तरह से काम करोगे कि आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कीबोर्ड पर कि आप कीबोर्ड पर कौन सा बटन दबा रहे हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। इस वीडियो की हम कई अन्य वीडियो और भी लेके आएंगे, अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं पार्ट वन से। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है आपके सामने मैंने आपके लेके आया हूँ, ये तो इसमें अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 मतलब 104 की होती है और उन 104 की का सबका अपना अपना अलग काम होता है। कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीवर्ड हैं, जब तक हम इनके बारे में नहीं जान पाएंगे हम अपने कीबोर्ड पर हाथ नहीं बिठा सकते, हमारा परफेक्शन नहीं बन सकता। इसीलिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन कीबोर्ड की जानकारी हमने करनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कीबोर्ड देख रहे हैं, कीबोर्ड के अंदर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो की होती है, मैंने बेसिकली आपको बता दूं, जो की होती है वो कीबोर्ड के अंदर 5 प्रकार की होती है। नंबर ऑफ कीज तो 104 ही होती है और टाइप जो होती है कीबोर्ड का, की का जो टाइप है वो 5 टाइप्स ऑफ कीज होती है। सबसे पहले जो होती है वो हमारी फंक्शनल की होती है, जो हमारी F1 से लेके F12 तक काम करती है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल की आ जाती है हमारी, जो 0 से लेके 9 तक काम करती है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है अल्फाबेटिकल, जो हमारी A से लेके Z तक का काम करती है लिखने का। फिर नंबर 4 पे आ जाती है स्पेशल कीज, जिसमें हमारा टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सारी चीज़ें जितनी भी की होती हैं ये हमारी स्पेशल कीज में आ जाती हैं, और ये चारों की हमारी एरो की में आ जाती है। इसी तरह से हमारे कीबोर्ड के अंदर 5 प्रकार की हो जाती हैं, लेकिन इनका सभी का अपना अपना काम अलग है। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। हमने जो आज ये टाइपिंग की एक वीडियो स्टार्ट की है, सबसे पहले इसमें हम ये बताएंगे कि हम कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर पर अपने हाथों की टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। क्योंकि जब तक हम अपने कंप्यूटर पर, अपनी किसी भी कंप्यूटर पर अगर आप बैठे हो, जब तक तुम्हारी टाइपिंग की स्पीड अच्छी नहीं होगी तब तक काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब भी कोई किसी को व्यक्ति काम को करते हुए देखता है, अगर तुम ऐसे इजीली करोगे तो वो तुम्हें मूर्ख बताएगा, लेकिन जब तुम किसी भी काम को परफेक्शन से करोगे तो वो एकदम तुम्हें जीनियस बताएगा। कभी भी आप जाके देखना किसी भी नई जगह पे, और वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अपने काम में पूरा परफेक्ट है तो सब जगह जाके उसको बताता है कि हाँ भाई वो बंदे की स्पीड इतनी अच्छी है, वो इतना परफेक्ट है। लेकिन अपने काम में परफेक्ट होने के लिए अपने काम के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा कीबोर्ड है और यहाँ पे हमारे ये अल्फाबेटिकल की है, तो F1 से लेके F12 तक की जो की होती है वो फंक्शनल की होती है। इन की का अपना अपना अलग काम होता है, ठीक है। कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, इनका एक अलग काम होता है। न्यूमेरिकल की से हम 0, 1, 2, 3 न्यूमेरिकल संख्या लिख लेते हैं। आज मैं यही चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा पार्ट वन है उसमें हम ये चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास में जैसे ये 3 रो हैं, जैसे यहाँ देख रहे होंगे, ये वाला जो कीबोर्ड होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में जो चलता है उसको बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड। क्वेरिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आप देखोगे किसी भी कीबोर्ड में जो कीवर्ड होंगे QWERTY, ऐसे ही हमारे 6 लेटर ये हमारे क्वेरिटी कीबोर्ड में ही होते हैं। बाकी और देशों में कहीं पे गोल आता है, कहीं और दूसरे मॉडल का, लेकिन हमारे यहाँ पे सेम इसी पैटर्न में कीबोर्ड अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि सबसे ऊपर टॉप रो, फिर मिडल रो, इसको जिसको हम होम रो भी बोलते हैं,
और सबसे नीचे जो हमारी बॉटम वाली डाउन वाली रो है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एफ और जे पर एक छोटी सी परत उठी हुई है, जिससे जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमें ये पहचान हो जाती है कि हम अपनी इस हमारी फिंगर्स की पोजीशन वो किस जगह है, हमने ऐसे रखनी है या ऐसे रखनी है। लेकिन ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, इनका कहने का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी कीबोर्ड पर फिंगर बिल्कुल स्टेबल तरीके से रखें। हमारा इतना कंट्रोल अपने हाथ पे होना चाहिए, हमारी फिंगर सिर्फ टच रहनी चाहिए, अगर हम उनको दबाएं तो वही काम करे, ऐसा ना हो कि हम अगर के दबाएं तो एल भी साथ में दब रहा है, ऐसे नहीं करना। इतना कंट्रोल अपने हैंड पे होना चाहिए कि जिस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, जिस की को दबाना चाह रहे हैं, वही की हमारी प्रेस हो। अब सेकंड ऑप्शन जो आ जाता है वो आ जाता है शिफ्ट और कैप्स लॉक का। अब कैप्स का क्या काम होता है, शिफ्ट का क्या काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो कैप्स लॉक का जो काम होता है वो होता है कि हमारे कीबोर्ड में जितने भी लेटर टाइप हों वो कैपिटल में हों, स्मॉल में ना हो के कैपिटल में हों। अगर आप देखोगे कैप्स लॉक ऑन करोगे तो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी, जैसी लाइट जलेगी आप समझ जाना कि कैप्स लॉक हमारा ऑन हो चुका है। और अब आ जाते हैं शिफ्ट पे। अगर आपका शिफ्ट दब रहा है और आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट आपका कैपिटल लेटर का काम करेगा, आप जो भी कुछ लिखोगे तो वो आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे आप शिफ्ट छोड़ दोगे तो स्मॉल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने कैप्स दबा भी दिया और शिफ्ट भी दबा रहे हो तो फिर शिफ्ट हमेशा कैप्स के अपोजिट काम करता है। जैसे कि अब कैप्स ऑन है तो सारा हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है, लेकिन अब तुम शिफ्ट दबा दोगे तो वो सारा का सारा स्मॉल में लिखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यही जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, यही चीज मैं आपको बताने वाला था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको और भी कुछ ऐसे ही कीबोर्ड से अन्य टिप्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने टाइपिंग को और जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं।